और ये पूरा बिली वाला पार्ट लटक चुका है और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे छू रहे हैं तो हमको पप्स का भी फीलिंग आ रहा है हल्का हल्का। और सब चारों तरफ कपड़ा जमा कर लिया क्योंकि अब पपीज देने का डेट इसका लगभग लगभग में आ ही चुका है। देखिए ये रही जेनी जो कि अब कुछ ही दिन के अंदर में पप्स डिलीवर करने वाली है। क्या जेनी सही बात है कि नहीं? इसको ई देखिए जेनिया को चारों तरफ कपड़ा जमा करके बैठी हुई है। देखिए इसको चारों तरफ कपड़ा जमा कर लिया क्योंकि अब पपीज देने का डेट इसका लगभग लगभग में आ ही चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन और लगाएगी पप्स देने में। और इसको बाहर निकालते रुकिए। आ जाओ जानी काम चल जल्दी आ जाओ। यार इसको खींच खाच कर निकालना पड़ेगा। आ जा। चलना नहीं चाह रही है एकदम। लास्ट टाइम है इसके प्रेगनेंसी का। आप लोग देख सकते हैं इसका पेट थोड़ा चलाने का कोशिश करते हैं अगर चलती है तो। आजा जाने चलने लगे। देखिए यही रही जेनी जो कि अब कुछ ही दिन के अंदर में पप्स डिलीवर करने वाली है। क्या जेनी सही बात है कि नहीं? इसको आप लोग पेट का देख सकते हैं साइज। और इसका कान में हिपोटोमा हो गया था, इसको ऑपरेशन करना था लेकिन पप्स देने का टाइम नज़दीक आ रहा था जिसके कारण से कि हिपोटोमा को ऑपरेशन नहीं किए क्योंकि उससे डॉग थोड़ा स्ट्रेस में आ सकता है और पप्स देने के टाइम में मदर डॉग को स्ट्रेस देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके भी हेल्थ के लिए और पप्स के हेल्थ के लिए भी। तो ऑपरेशन अभी अंठिया दिए, वो तो अपने हाथ का चीज है, बाद में करा दिया जाएगा। चल जेनी बाहर आजा। जेनी काम जेनी आजा। देखो क्या मेरे पास। जल्दी आओ। अब दिखाते हैं अब आप। और ये देखिए आप लोग अभी क्या साइज हो गया है इसके पेट का। और यूट्रस में भी हल्का सा स्वेलिंग आया है जो कि बता रहा है कि जेनी 50 आवर्स के अंदर या 50 आवर्स के आसपास पप्स डिलीवर कर देगी। और आप लोग देख सकते हैं जेनी को। जेनी आ जा कि इसका पैर उठा के दिखाते हैं आप। लेट जा बेटा, ये वाला पैर में ठीक कर लेना। तो देखिए कुछ ऐसा नजर आता है, एक 60 डे प्रेग्नेंट डॉग का पेट। तो देख सकते हैं पूरा निप्पल इसका काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, पहले बहुत छोटा छोटा था और ये पूरा बेली वाला पार्ट लटक चुका है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे छू रहे हैं तो हमको पप्स का भी फीलिंग आ रहा है हल्का हल्का। और सब कुछ बस सेफली हो जाए और कोई टेंशन नहीं रहे, यही प्रार्थना है भगवान से। और देखिए क्या होता है। और भी अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि आप लोग सब अपडेट आप लोग को मिलता रहे, जो जैसे हो रहा है उसका वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। और अभी आप देख सकते हैं मेरी 61 या 62 डे की प्रेग्नेंट जर्मन शेफर्ड जो कि अब पप्स कुछ ही घंटे में या 1-2 दिन के अंदर डिलीवर करने वाली है, वो हमको भी नहीं पता कब करेगी। बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी करेगी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। क्या जेनी सही बात है कि नहीं? बोल दो तुम भी सब्सक्राइब करना। ठीक।